अथ देव गणा सर्वे रुद्रानीके पराजिताः शूलपट्टिसरस्त्रिंश गदा परिघमुद्गरैः संच्छिन्न भिन्न सर्वांगा सर्त्विक सभ्याभयाकुलाः स्वयंभुवे नमस्कृत्य कार्ष्णेयिने तन्न वेदय उपलभ्य पुरैवेद भगवानब्ज संभवः नारायणश्च विश्वात्मा नभस्याद्वरमीयतु तदागर्ण्य विभुप्राहु तेजीयसि कृतागसि क्षेमाय तत्र भूयात् न प्रायेण बुभूषताम् अथापि यूयम् कृतगल्पषाभवम् ये वर्षिषो भागभाजो परादुः प्रसादयध्वम् परिशुद्धचेतसा क्षिप्रप्रसादम् प्रगृहीताङ्घ्रिपद्मम्। दक्ष प्रजापति का क्रतुध्वंस हो गया था। देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगे कि हे भगवन, यज्ञ का इस प्रकार विनाश हो जाता है तो संसार के लिए भारी अनिष्ट हो जाएगा, इसकी रक्षा किसी भी प्रकार होनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवताओं, मेरे बस की बात नहीं, हम सब चलें भगवान शंकर के ही पास, उन्हें प्रसन्न कर उन्हीं के द्वारा इस यज्ञ की पूर्णता किया जाना चाहिए। सब लोग वहां से निकलकर कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। सैत्तमादिश्य सुरान जस्ते समन्वित पितृभिः प्रजेशे यजोसु तुष्णान् निरयम् पुरद्विषा कैलासमद्रि प्रवरम् प्रियम् प्रभु। हिमालय में समस्त देवता, ब्रह्मा जी, सभी पितृगण, गंधर्वगण सबके सब पहुंच गए। बड़ा ही सुंदर वह स्थान था, हरियाली चारों ओर दिखाई दे रही थी, पेड़ों पर पुष्प खिले हुए थे, भ्रमर गुंजार कर रहे थे, पुष्पों से मधु चू रहा था। बड़ा ही वह सुंदर दृश्य था जंगल का। हिमालय में उस जंगल में पहुंचने के बाद आगे जब बढ़े तो उन लोगों ने प्रथम कुबेर की पुरी देखी, सौगंधिक वन देखा, यक्षेशपुरी के आगे फिर वे जब बढ़े तो वहां से कैलाश पर्वत दिखाई देने लगा। वहां पर मानो की कल्प वृक्ष हजारों की संख्या में लगे हुए हैं, सर्वत्र शीतलता व्याप्त हो रही है, पशु पक्षी सबके सब आनंदित वहां पर हैं। एक विशाल वटवृक्ष वहां पर दिखाई पड़ा, जिसके नीचे भगवान शंकर अंकुरित बोध मुद्रिगमपसव्यूपरिस्थ सव्यपदम वस्त्वेगमनुसरामो वटभूरुह मूलवास्तव्यम।
चित्रम वटकरोर्मूरि वृद्धा शिष्या गुरु युवा गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। दक्षिणामूर्ति के रूप में भगवान शंकर वराह विराजमान थे। अंकुरित समुद्रिगम सनकादि ऋषि देवर्षि नारद एवं अनेक अन्य महान पुरुष विद्यमान थे। शंकर भगवान से वे कुछ प्रश्न कर रहे थे। दक्षिणामूर्ति के रूप में भगवान शंकर वहां पर विराजमान थे। उपविष्टम दर्भमय्याम प्रस्याम ब्रह्म सनातनम नारदाय प्रवोचं तम पृच्छति श्रण्वताम सताम। शंकर भगवान कुछ बोल नहीं रहे थे, मौन होकर बैठे थे, किंतु संशय सबका दूर हो रहा था। मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवारम वर्षिष्ठान्ते वसदृषिगणे आवृतम ब्रह्मनिष्ठ आचार्येन्द्रम करगलित चिन्मुद्रया भद्रयातम स्वात्मा रामम उदित वदनम दक्षिणामूर्ति मीडी। शंकर भगवान की व्याख्या मौन व्याख्या, कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन परब्रह्म परमात्मा को एक मुद्रा के द्वारा समझा रहे थे। जवान होकर बैठे हुए हैं और उनके पास में आए हुए ऋषि महर्षि सब वृद्ध। चित्रम वडतरोर मूले वृद्धा शिष्या गुरु युवा, गुरु जी युवा है और शिष्य सभी वृद्ध हुए। आचार्येन्द्रम करगलित चिन्मुद्रया भद्रया, चिन्मुद्रा के द्वारा उपदेश वे दे रहे थे। चिन्मुद्रा, चिन्मुद्रा उसको कहते हैं जहां पर करजनी अंगुष्ठ के साथ मिली हुई होती है और तीन अंगुलियां ऊपर की ओर, यही चिन्मुद्रा। दक्षिणामूर्ति भगवान इस मुद्रा के द्वारा तत्व ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। शंकर भगवान कह रहे थे कि पूरा संसार त्रिगुणात्मक है, तीन गुण, तीन अंगुलियों से तीन गुण बता रहे थे, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। और ये जो तर्जनी है, ये तर्जनी जीवात्मा है, अंगुष्ठ परमात्मा है। साधारण रूप से यह जीवात्मा तीन गुणों के साथ हर हमेशा मिला रहता है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के साथ ये जीवात्मा हर हमेशा मिला रहता है, यही उसका संसार है। इसमें भी सत्वगुण सबसे छोटी अंगुली है, रजोगुण कनिष्ठिका है छोटी अंगुली, और उसके दूसरी अंगुली ये रजोगुण कुछ ज्यादा, और तमोगुणी संसार में बहुत है, इसलिए मध्यमा बहुत लंबी अंगुली है। देखो तमोगुणी संसार में बहुत, रजोगुणी उससे कम और सत्वगुणी बहुत कम। इन तीन गुणों के साथ ये जीवात्मा हमेशा मिला रहता है, इसलिए ही ये संसार में पड़ा हुआ है। इस जीवात्मा को तीन गुणों से अलग करो और परमात्मा के साथ जोड़ो, तर्जनी को अंगुष्ठ के साथ जोड़ो, जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिला दो, गुणों से पृथक हो जाओ, अलग हो जाओ, त्रिगुणात्मक संसार का परित्याग कर इस जीवात्मा को जो परमात्मा के साथ मिला देता है वही है तत्वज्ञान, वही मोक्ष का भागी होता है,
तो केवल चिन्ह मुद्रा के द्वारा भगवान शंकर तत्व ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। ब्रह्मा जी और समस्त देवता वहां पर पहुंच गए। शंकर भगवान ने देखा सभी देवता यहां पर आए हुए हैं। सब ने जाकर भगवान शंकर को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी कहने लगे, जाने त्वाभीषम विश्वस्य जगतो योनिबीजयो होम सक्षस्य जवरम यत्तद् ब्रह्म निरंतरम। भगवान आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, इस बात को मैं जानता हूं। इस जगत की सृष्टि आप ब्रह्मा के रूप में करते हैं, रक्षा विष्णु के रूप में और रुद्र के रूप में संहार आप ही करते हैं। पूरे जगत की रक्षा करने के लिए ज्ञान का उपदेश आप ही दिया करते हैं। समस्त अमंगलों को दूर कर मंगल की ओर ले जाने वाले आप ही हैं। कर्म दृशो दुराशयाम परोदये नार्पित हृद्रुजो निशम परान्तुरुक्तिर्विदुदन्त्यरुन्धुदान्मावधीर्देववदान्भवद्विदः। अज्ञानी भेद बुद्धि होते हैं, भेद दृष्टि हुआ करते हैं, उनकी दृष्टि भेद के ऊपर पड़ी हुई होती है। क्या बोलना किसके सामने ये उनको मालूम नहीं रहता। यही कारण था कि दक्ष प्रजापति ने आपको बहुत कुछ अपशब्द कह दिया और आपने सब कुछ सुन लिया। वस्तुतः जो कुकर्म करता है, गाली देता है, पाप करता है, उससे दूसरों का कुछ नुकसान नहीं होता, वो अपना ही नुकसान करता है। सूर्य की ओर देखकर कोई थूकता है, सूर्य के ऊपर वो थूक पड़ती नहीं, अपने चेहरे पर ही पड़ती है। इसी प्रकार संत पुरुषों को कोई गाली देता है तो उसका परिणाम अपने आप पर आता है, संत पर नहीं जाता। हे भगवान, उनके लिए आपने दंड का विधान किया, कोई आवश्यकता नहीं थी, अपने कर्म से ही स्वयं वे मारे हुए थे। हिंस्रस्व पापेन विहिंसितः खलः साधुस्समत्वेन भयाद् विमुच्यति। पापी अपने पाप से ही मारा जाता है, उसको कोई दंड देने की आवश्यकता है ही नहीं। हे भगवान, फिर भी आपने दंड दिया। हमारी प्रार्थना यही है कि आप इस यज्ञ की फिर से रक्षा करें, इस यज्ञ को पूर्ण करें, ऐसे आपके चरणों में हमारी प्रार्थना है। कुर्वध्वरस्योद्धरणं हतस्य भो तया समाप्तस्य मनो प्रजापति न यत्र भागं तव भागिनो ददु कुयज्जिनो येन मको निनीयति। दक्ष प्रजापति ने आपके लिए यज्ञ में भाग नहीं दिया, अन्न देने का ही ये परिणाम प्रत्यक्ष रूप से हो गया। जो शंकर भगवान का तिरस्कार करता है उसका विनाश हो जाता है, प्रत्यक्ष रूप से यह देखने में आया। अब आप दया करें, कृपा करें, वह यज्ञ फिर से पूर्ण हो जाए, ऐसा आप अनुग्रह करें।